नमस्ते दोस्तों, मैथ्स कैफ़े चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, अगर आपको किसी भी तारीख दी हुई होती है, कोई भी डेट अगर आपको दी जाती है और उस डेट का कौन सा दिन है ये अगर आपको निकालना है, तो उसका सबसे आसान तरीका हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों देखिए, ये जो एग्ज़ाम्पल है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंपलसरी पूछा जाने वाला एग्ज़ाम्पल है, तो हम लोग देखते हैं। ये देखने से पहले कुछ बातें आपको याद होना ज़रूरी है, जैसे मंथ कोड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने मंथ कोड लिखे हैं, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये मंथ कोड आपको बाय हार्ट होने चाहिए। उसके साथ साथ कुछ डे कोड भी दी हुई है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और उसके आगे उसके कोड्स दिए हुए हैं। अगर आप ये याद कर लेते हो तो आप 19th सेंचुरी का कोई भी अगर डेट दिया हो तो आप उसका दिन निकाल सकते हो। इसके साथ साथ आप 400 साल पुरानी कोई भी डेट हो या 400 साल आगे फ्यूचर में आने वाली कोई भी डेट हो, उसका दिन आसानी से अगर प्रैक्टिस करते हो तो 6 सेकंड्स के अंदर आप निकाल लोगे। अब ये देखने के लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे डेट है अपनी 15 अगस्त 1947। अब आपको यहाँ पे सिंपल 4 स्टेप्स करने हैं दोस्तों, उसके बाद आप समझ जाओगे कि ये किस तरह से काम करता है। देखिए, आप यहाँ पे देखोगे, ये दिस इज़ द 19, ये 19 है, और इसके बाद ये जो दो आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं 47, सबसे पहले स्टेप में आपको वो 47 एज इट इज़ लिखने हैं। सेकेंड स्टेप में आपको ये 47 को डिवाइड करना है 4 से, और इसका जो भी कोशेंट आता है वो आपको इसके नीचे लिखना है। अब मैं 47 को डिवाइड करता हूँ तो आपको कोशेंट मिलेगा 11, 4 11 44, जो भी रिमाइंडर, जो भी बाकी उठता है वो आप कंसिडर नहीं करोगे। जो भी रिमाइंडर आप यहाँ मिलेगा आपको डिवीजन करने के बाद, आप वो कंसिडर नहीं करोगे, सिर्फ कोशेंट आपको यहाँ लिखना है। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब थर्ड स्टेप में देखिए, यहाँ पे अगस्त मंथ है, तो आप देखिए अगस्त मंथ कहाँ पर है, ये अगस्त मंथ का कोड यहाँ दिखाई दे रहा है 4, तो हम लोग इसके नीचे 4 थर्ड स्टेप में लिखते हैं मंथ कोड, हो गया। फिर आप आते हैं डेट के ऊपर। अब यहाँ डेट क्या दी हुई है, 15, यहाँ हम लोग 15 लिखते हैं। अब ये 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका सबका आपको क्या करना है, एडिशन करना है। सी, इसकी एडिशन आप कर लोगे तो इसकी एडिशन आती है 77, ये हो गई एडिशन। अब आप ये एडिशन को डिवाइड कर लीजिए 7 से, 77 डिवाइडेड बाय 7। अब इसका आपको पता है डिवीजन करने के बाद क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 0। इसमें जब डिवीजन करते हो 7 से तो आपको कोशेंट की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ रिमाइंडर देखना है, और वो रिमाइंडर आया आपका 0। अब 0 आया तो आप डे कोड में देखिए 0 कोड कहाँ पर है, 0 कोड है यहाँ पे, तो मतलब इस डेट का दिन आपको मिल गया दोस्तों, वो है फ्राइडे। आप इसको किसी भी कैलेंडर में क्रॉस चेक करते हो, आपके मोबाइल, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल तो होगा ही, अगर आप कोई भी प्ले स्टोर में जाके कैलेंडर डाउनलोड करते हो और ये डेट डालते हो तो आपको मिलेगा फ्राइडे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगस्त 1947, ये 15 डेट है, और 15 डेट का डे कौन सा है, फ्राइडे। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ हम लोग और एक एग्जांपल लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सेकेंड एग्जांपल हम लोग लेंगे, मैं एक डेट ले लेता हूँ, जैसे 16/06/1920।
अब ये 1920 का डेट है दोस्तों, देखिए अब आपको क्या करना है, लास्ट वाले टू डिजिट्स लेने हैं, उसको लिखना है 20, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। फिर सेकेंड स्टेप में आपको ये 20 को डिवाइड करना है 4 से, कंपलसरी 4 से डिवाइड करना है, 4 5 20, जो भी क्वेश्चन आता है वो आपको लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन आया 5, तो मैंने वो लिख दिया। अब आपका मंथ देखिए, 6 मंथ, 6 मंथ्स कौन सा होता है, जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो जून का कोड क्या है, जून का कोड क्या है, 6 0 6। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप आओगे डेट के ऊपर, डेट क्या है 16। अब यहाँ पे 16 लिखने के बाद आप इसकी एडिशन करोगे, तो इसकी एडिशन होगी 47। अब फाइनल स्टेज में आपको क्या करना है, इस 47 को डिवाइड करना है 7 से, 7 से अगर आप डिवाइड करते हो तो इसका डिवीजन आएगा 7 6 42। अब ये 7 से डिवाइड करने के बाद आपको देखना है कि रिमाइंडर क्या आता है। अब यहाँ रिमाइंडर क्या आया, 5। फिर आप जाओगे डे कोड में, डे कोड में 05 कोड कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस कोड से रिलेटेड कौन सा डे है, वेनसडे, तो इस डेट का डे हो गया वेन्सडे। समझ गए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, अगर 19 लिखा हुआ है तभी आप ये निकाल सकते हो। हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, अगर यहाँ पे 20 आता है, 21 आता है, 26 आता है या 38 आता है, तो हम लोग डे किस तरह से निकालेंगे, इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना ज़रूरी है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।